नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद की महिला दुर्गा वाहिनी द्वारा मनन बस्ती में स्थापना दिवस एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित एक मनन बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी द्वारा लाइन पार मझोली चौराहे पर मलिन बस्ती में दुर्गा वाहिनी स्थापना दिवस एवं शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम दुर्गा माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समस्त दुर्गा वाहिनी की बहनों ने दुर्गा चालीसा का पाठ किया तथा तलवारों पर कलावा बांधकर और तिलक लगाकर शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में दुर्गा वाहिनी की विभाग संयोजिका शिल्पी सैनी मौजूद रही। शिल्पी सैनी ने अपने वक्तव्य में कहा, नारी अबला नहीं सबला है और आज के युग में नारी कहीं भी पिछड़ी नहीं है। समय आने पर वह काली का रूप धारण कर सकती है। उन्होंने विस्तार से बताया और कहा कि आवश्यकता है, हर बहन को दुर्गा वाहिनी से जुड़ना चाहिए ताकि वो अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सके, दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। इस दौरान दुर्गा वाहिनी की महानगर संयोजिका पुष्पांजलि सिंह, सह संयोजिका मीनाक्षी कश्यप, दीक्षा शर्मा, सलोनी, भावना, पायल, कलावती, रामप्यारी, गुड़िया, उर्मिला, राधिका, हिमांशी आदि बहनें उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा वाहिनी की प्रखंड संयोजिका दीक्षा शर्मा ने करा तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर संयोजिका पुष्पांजलि ने करी। अंत में सभी ने सामूहिक रूप से आरती की, सभी बहनों को प्रसाद वितरण किया गया। मेरा नाम शिल्पी सैनी। आज विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी के बैनर तले लाइन पार में मझोली चौराहे पर प्रकाश नगर प्रखंड के सहयोग से आज यहां पे दुर्गा वाहिनी स्थापना दिवस और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रहा। क्या कार्यक्रम में क्या क्या रहा, क्या विशेष रहा? कार्यक्रम का विशेष यही था, अपनी बहनों को दुर्गा वाहिनी के विषय में बताना, अपने धर्म के बारे में बताना, धर्म की संस्कृति के विषय में बताना और साथ साथ हमने यहाँ पे शस्त्रों का पूजन किया। ये दिखाने के लिए शस्त्र केवल हाथों में शोभा नहीं देते, उनको चलाना भी हमें आना चाहिए। और दुर्गा वाहिनी निरंतर ऐसा कार्य करती है, चाहे वो वर्ग के माध्यम से करे या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से, बल उपासना केंद्र के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सभी महिलाओं से हमारी यही गुजारिश है कि दुर्गा वाहिनी से जुड़े ताकि उनके अंदर भी एक आत्मबल आए।